नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज के मैच के बारे में। अत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। अश्विनी जी, जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली जिसकी शुरुआत आज एक बहुत ही खराब रही, लेकिन अंततः आते आते दिल्ली ने अपनी स्थिति को सुधार लिया और एक सम्मानजनक स्कोर तक दिल्ली। जी सर, जैसा मैं आपको बताऊं तो जो स्थिति सुधरी है दिल्ली की, वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से सुधरी है, वो है मार्कस टोनिस। जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने अंत में आकर के की, काबिले तारीफ, जबरदस्त बल्लेबाजी। जिस तरह की बल्लेबाजी शुरुआत में प्लेयर्स को करनी चाहिए थी, उन्होंने अपनी टीम के बैट्समैन जो स्कोर का मतलब कार्ड पर बहुत बड़े नाम नजर आते हैं बैटिंग कार्ड पर, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए आप आज देखेंगे कि जिस तरह से हमारा मार्कस टोनिस ने बल्लेबाजी की, उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया खासतौर से अपने टीम के बल्लेबाजों के लिए, चाहे वो ओपनिंग में शिखर धवन हो, पृथ्वी शॉ हो, उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, इन सब के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है कि इस तरह से बल्लेबाजी, सीधे शॉट्स लगा करके बल्लेबाजी करने से भी रन बनाते, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने करी अंतिम ओवर में, जिस तरह से जबरदस्त रन बनाए, तो काबिले तारीफ बल्लेबाजी थी सर वो। अश्विनी जी, आज के मैच को देखते वक्त दिल्ली वालों की धड़कने एक बार जरूर रुकी होंगी। अगर ये आखिरी ओवर में 30 रन ना आते तो दिल्ली की स्थिति बहुत खराब होने वाली थी। बिल्कुल सर, जब मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में 120 के आसपास सिमट जाएगी, जिस तरह से शुरुआत हुई थी और जिस तरह से जल्दी जल्दी गुच्छे में विकेट गिर रहे थे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के, क्योंकि जल्दी पहले तो कप्तान खुद शिखर धवन जीरो पे आउट हो गए, डक पे चले गए, उसके बाद पृथ्वी शॉ भी उनके पीछे पीछे चले गए, फिर खुद उनके पीछे सिरमोन हेटमायर भी जल्दी चले गए, उसके बाद एक स्लो साझेदारी हुई ऋषभ पंत और कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच में, लेकिन उस तमाम उन स्लो साझेदारी को देखते हुए भी लग रहा था कि ये 120 के 125 30 के आसपास सिमट जाएगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर आकर की मार्कस टोनिस ने, और उन्होंने दिखा दिया कि क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम की जो बैटिंग में डेप्थ है वो आज काम आ गई दिल्ली कैपिटल्स के। नहीं तो यही जो गेम था, अगर जिस तरह से मार्कस टोनिस ने अंतिम में आकर के बल्लेबाजी की, अगर वो बल्लेबाजी नहीं हुई होती मार्कस टोनिस की तरफ से, तो ये बहुत ही लो स्कोरिंग मैच होता और मैच का इंटरेस्ट खत्म हो जाता। लेकिन मार्कस टोनिस ने जिस तरह से बल्लेबाजी करके इस मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया और दिल्ली कैपिटल्स को एक फाइट करने लायक टोटल यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने खड़ा कर लिया है। और ये हम सब जानते हैं कि अबू धाबी में विकेट स्लो होते हैं, वहां पर रन बनाना मुश्किल होता है सेकंड इनिंग्स में, और दिल्ली कैपिटल्स की जिस तरह की बॉलिंग अटैक है उसके सामने अब जो टोटल दिल्ली कैपिटल्स ने खड़ा कर दिया, वो चेज करने में किंग्स इलेवन पंजाब को जरूर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर जल्दी किंग्स इलेवन पंजाब भी, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने विकेट गंवाया, अगर उसी तरह से किंग्स इलेवन पंजाब भी शुरुआत में विकेट गंवा देता है, तो ये किंग्स इलेवन पंजाब के लिए टोटल चेज करना अब बड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि मैच अभी जारी है। जी जी दिल्ली, बिल्कुल सर, अब जो है अब वो मैच बन गया है। पहले मैच एक तरफा लग रहा था, लेकिन अब जो है वो मैच बन गया, और इसके केवल एक ही वजह है, वो है मार्कस टोनिस। जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी उन्होंने करी, और ये हम इस मार्कस टोनिस की इनिंग के साथ हमें वो स्लो साझेदारी भी याद रखनी चाहिए जो श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बीच में हुई। हालांकि दोनों ने जो आउट हुए जिस तरीके से, वो बड़ा खराब शॉट खेल के आउट हुए, उस चीज को दिल्ली कैपिटल्स को सुधारना होगा अपने आने वाले मैचेस में। खैर, अब हम देखेंगे कि क्या किंग्स इलेवन पंजाब कैसे बल्लेबाजी करती है, वो चेज कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन इस वक्त तक अब ये मैच बन गया है। चलिए देखते हैं सेकंड इनिंग। जी सर, बिल्कुल, अब देखते हैं सेकंड इनिंग्स कैसी होती है। इसके लिए हम दोबारा सेकंड इनिंग्स के बाद आपके पास आएंगे कि क्या किंग्स इलेवन पंजाब चेज कर पाती है या दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में जिस तरह से बैटिंग हुई है, अब अपनी बॉलिंग, शानदार बॉलिंग करके इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स जीत लेती है। तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी हमारे साथ, तब तक आप बने रहें हमारे दिल्ली अप टू डेट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।